इसे बनाने के लिए वैसे तो आप मलाई, फ्रेश क्रीम या दही कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे मैंने घर में ही जो मसाले हम रोज़ यूज़ करते हैं उसी से बनाया है, बाहर से कुछ खरीदे बिना। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम मटर पनीर बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 2 प्याज रफली कटा हुआ, 3 टमाटर और साथ ही जाएगा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और उसके साथ ही हम डाल देंगे 2 से 3 साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च से सब्जी का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। और गरम मसाला में हम अभी ही डाल देने वाले हैं 2 इलायची और 3 से 4 लौंग। बस सब चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट तक हल्का सा भूनें या फिर ढक दें, जिससे सभी चीज़ों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है। तो सभी मसालों को ठंडा करने के बाद 1/2 कप पानी डालकर इसे हम चिकना पीस लेंगे। अब वापस उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालें और पनीर को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये घर का ही बना हुआ पनीर है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे बस 1-2 बार चलाएं और इसे प्लेट में निकाल लें। लेकिन यदि आप मार्केट का पनीर यूज़ करते हैं तो फ्राई करने के बाद उसे हल्के गर्म पानी में ज़रूर डालें, तभी वो सॉफ्ट होगा। फिर उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच तेल, और जब तेल गर्म हो जाएगा तब उसमें डालें 1 बड़ा चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ता। फिर गैस का फ्लेम एकदम कम कर दें, या तेल यदि ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस को ऑफ कर दें, और डाल देंगे उसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। हल्दी कम ही डालना है क्योंकि सब्जी का कलर हमें लाल चाहिए। और साथ ही हमने जो पेस्ट बनाकर रखा था प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का, उसे भी हम इसी समय डाल देंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं, और उसके बाद इसे हमें ढक कर 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है, एकदम कम फ्लेम पे ही, जिससे तेल भी सेपरेट हो जाएगा और मसालों का कलर भी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। और यह देखिए तेल भी अलग हो चुका है कढ़ाई में। तो इस समय हम इसमें डाल देंगे, ये मेरे पास फ्रोजन मटर है। यदि आपके पास फ्रेश मटर है तो आप उसे यूज़ कर लीजिए, लेकिन आजकल मार्केट में फ्रेश मटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें जो फ्रोजन मटर आता है 1 कप मैंने लिया है, उसे पानी से सिंपल 1 से 2 बार धो दीजिए और इसमें डाल दीजिए। फिर इसे हमें 1 से 1.5 मिनट तक ढककर अच्छे से पकाना है, ताकि मसालों का सारा फ्लेवर और टेस्ट मटर में चला जाए। साथ ही मसालों के फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए हम डाल देंगे कसूरी मेथी, इसे भी मैंने 2 चम्मच लिया है, अपने हाथों से क्रश करके इसे डाल दीजिए। और 1/2 कप पानी डाल देंगे थोड़ा ग्रेवी और बढ़ाने के लिए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, मेरे किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसके, कि बस आज तो लगता है खाने का मज़ा ही आ जाएगा। और साथ ही जो हमने शैलो फ्राई करके पनीर रखा था इसे डाल दीजिए। सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। यदि आपको लगता है कि नमक थोड़ा और कम है तो आप टेस्ट करके उसे भी डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ती डाल दीजिए और इसे बस 0.5 से 1 मिनट तक के लिए वापस ढक देंगे। और यह देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर तैयार हो चुका है, बिना फ्रेश क्रीम, बिना मलाई और बिना दही डाले ही। सब्जी हमारी बनकर तैयार है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आप इसे पूड़ी, तंदूरी रोटी या पुलाव के साथ खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।